श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त 2024 के दिन उपवास के स्वरूप में की जा रही है। इस वीडियो में एकादशी और पुत्रदा एकादशी के जो सभी उपाय हैं जो सिर्फ साल भर में एक बार किए जाते हैं, आप सभी को साझा करना चाहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, उपाय में वीडियो करके दिखाए जा रहे हैं ताकि आपके कोई भी दिक्कत ना आए। देर ना करते हुए वह उपाय जान लेते हैं जो सभी तरह से पितृदोष को दूर करने के लिए है। गुरु जी कहते हैं जब पितृदोष होता है तो परिवार में संतान सुख कम मिल पाता है, वंश की जो बेल होती है वह बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती, अर्थात वंश वृद्धि नहीं होती है। साथ ही नौकरी, विवाह, रोग या आपके पितृ अधोगति में भी हैं। तो इस सरल से उपाय से आपको सब कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। आपको गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी और द्वादशी पड़े तो सोमक पितृ का नाम लेकर मेरे पुत्र हो जाए, मेरे जीवन में रोग, कर्ज और संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको रोटी बना लेनी है। अब रोटी आप कहेंगे कि दीदी हम तो इस दिन अन्न का सेवन नहीं करते, तो जो व्यक्ति हैं उनके लिए ही अन्न का सेवन का वर्जन कहा गया है, परंतु जो जीव जंतु हैं उनके लिए अन्न सेवन का वर्जित नहीं कहा है, क्योंकि वह तो भूखे नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको रोटी बना लेनी है। रोटी हमेशा दो बनाएं। सोमक पितृ का नाम लीजिएगा प्रथम उपाय को करने के लिए। किसका नाम लेना है? सोमक पितृ का आपको नाम लेना है। रोटी हमेशा या तो एक रोटी बना रहे हैं तो उसके दो हिस्से कर लीजिएगा, उसमें कुछ मीठा रखिएगा, ठीक है? आपको मीठा रखना है, सोमक पितृ का नाम लेना है। मीठा आप कोई सी भी वस्तु, गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करते हुए आपको सोमक पितृ का नाम लेकर एकादशी और द्वादशी दो तिथियों में गौ माता को यह रोटी खिला देनी है। यह उपाय करीब करीब सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है जो आपको सोमक पितृ का नाम लेकर करना है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए सोमक पितृ की जय। यह सोमक देवता वही हैं जो कि पितरों के देवता माने जाते हैं। इनसे जीवन में पुत्र प्राप्ति के रोग बनते हैं, योग और संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो हमने प्रथम उपाय की बात कर ली। बढ़ते हैं गुरु जी के दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय से संबंधित आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। वीडियो छोड़कर ना जाइएगा, बहुत सारे उपाय इस वीडियो में हैं जो आपके काम के रहेंगे, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको पूजा की थाली में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए जो है विशेष तौर पर दो गोलबत्ती का घी का दीपक पूजा की थाली में रखना है, अपनी मार्चिस रख लेनी है, दो बेलपत्र लेनी है। अब आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी अगर हम पेट से हैं अर्थात प्रेग्नेंट है तो क्या इस उपाय को कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो अगर एक डेढ़ महीना हुआ है, दो महीने हुए हैं तो पुत्र प्राप्त योग निश्चित रूप से बन जाएंगे। और वैसे भी संतान सुख प्राप्ति के लिए अच्छी अवस्था में हमारी संतान हो, जो भी संतान हो वह परिपूर्ण हो, रोग संकट से दूर रहे, तो तब भी इस उपाय को करने में कोई दोष नहीं है। तो अपनी पूजा की थाली में, साथ ही पति दूर है तो कैसे करें, पत्नी अगर मासिक धर्म से है तो पति इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी कारण से पति दूर हैं तो यह जो उपाय किया जाता है उसमें बेलपत्र आप संभाल कर रख दीजिएगा, जब आपके पति आपके साथ होंगे तो उन्हें खिला दीजिएगा, इससे निश्चित ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे उपाय करना है। पूजा की थाली में दो आपको दीपक रखने हैं, दो ही बेलपत्र रखने हैं। बेलपत्र नहीं मिल पाते तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं। जल का लोटा ले लीजिएगा अपने साथ और दो कटोरी लेनी है। दो कटोरी आप जो है स्टील की, देखिए यह शिव मंदिर में छोड़नी है स्टील की कटोरी, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, आप पत्तल इत्यादि रख लीजिएगा। अब आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी अगर हमें शिव मंदिर में घी और यह जो है खीर समर्पित होनी रखनी होगी तो क्या हमें यह कहाँ रखनी होगी, कैसे रखनी होगी? तो सुनिए, आपको दो कटोरी में खीर बना लेनी है। खीर किसकी बनानी है? चावल की, तो भूलकर भी ना बनाएं, क्योंकि इस दिन चावल प्रयोग में नहीं होता और श्रीहरि विष्णु की पूजा में चावल प्रयोग करना एकादशी व्रत को खंडित करने वाला होता है, पाप के समान माना जाता है। तो आप साबुतदाने की खीर बनाएं, क्योंकि साबुतदाना फलाहार के रूप में जाना जाता है। और सिवई की खीर भी नहीं बनेगी क्योंकि यह अन्न होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आप जो है साबुदाने की खीर बना लीजिए और एक में गौ माता का घी ले लीजिए। अब गौ माता का नहीं मिलता है तो जो है जैसा है प्रभु द्वारा प्रदत्त है और उन्हीं को समर्पित है, ऐसी भावना करते हुए आपको पूजा की थाली में से रख लेना है। तत्पश्चात आप सभी को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। दक्षिण दिशा में भूलकर भी ना बैठें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए विधि विधान से अपनी मनोकामना कहकर।
तत्पश्चात आप सभी को जो है दीपक लगा लेना चाहिए। दीपक सिर्फ एक लगाना है और अपने दाहिनी हाथ की ओर लगाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो दो बेलपत्र लेकर गए हैं सही विधि से, जैसे मैं स्क्रीन पर करके दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से आपको चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर दो बेलपत्र का समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको घी और विशेष तौर पर खीर का भोग भी लगा देना है। और आप सभी विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को जैसे प्रभु से भोग लगाएंगे तो प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आज जो है अपने पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत और अपने जीवन में जो अधूरा है मेरा जीवन और मेरे घर में बेल नहीं बढ़ रही है अर्थात वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए उपाय करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दो बेलपत्र जो है जो आपने भोग लगाना है विधि विधान से, और उसे भोग को उठाकर घर नहीं लाना है, यह गलती ना करें। आपके यही प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी इसका क्या करें, तो यह आपको घर नहीं लाना है, वहीं भोग स्वरूप समर्पित कर आ जाना है। अब जिसे इसकी ज़रूरत होगी या वहाँ विराजमान पंडित जी इसे अपने साथ ले जाएंगे, आप नहीं लाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। दीपक लगा लिया और घी और खीर का भोग लगा दिया, बेलपत्र आपने समर्पित कर दी, तो बेलपत्र आपको उठाकर अपने पास रख लेनी है। ऐसा ना सोचे कि बेलपत्र अभी तो चढ़ाई थी, अभी जो है मैंने ले ली, ऐसा नहीं, भगवान जी ने इसे ग्रहण कर लिया है और इसे जो है उन्हें स्पर्श कर लिया है, अभिमंत्रित कर लिया है। अब यह अभिमंत्रित जो मनोकामना के तहत आपने समर्पित की है वह मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिव मंदिर के दरवाजे पर बैठना है। बैठना कहाँ है, दाहिनी तरफ, और आपको गोलबत्ती का दीपक वहीं पर बैठ कर लगा देना है। अब यह बेलपत्र जो एक है ना उसे आपको खा लेना है वहीं बैठ कर, संभव हो तो शिव मंदिर की ओर देखते हुए आप खाएंगे, तो अर्थात जो शिवलिंग बैठा हुआ है जहाँ पर महादेव बैठे हैं उसकी ओर देखते हुए प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए वहीं पर खा लेंगे तो अति शुभ होगा। अगर गुरु जी कहते हैं अगर पति साथ में है तो वह भी वहीं बैठकर खा लेंगे तो अति शुभ है। किसी कारण से पति नहीं आ पाए हैं, कोई ऐसी स्थिति है, तो घर ले जाकर अपने पति को यह खिला दीजिएगा, विश्वास से करिएगा, लाभ मिलेगा। आपके सभी प्रश्नों का मैंने करीब करीब इस वीडियो में उत्तर दे दिया, फिर भी कोई शंका हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। यह बात हो गई दो उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अगर आप इस दिन जैसे कि गुरु जी कहते हैं तीसरे उपाय में भगवान वाल्मीकि के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनकी सभी रानियाँ जो है संतान सुख से वंचित थी, तब उन्होंने ऋषि मुनियों से राय ली, तो ऋषि मुनिया ने कहा कि सावन महीने की जो पुत्रदा एकादशी है उस दिन आपको जो है विशेष तौर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के साथ ही आपको मन में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में बरकत दीजिए, खुशियाँ दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आपसे भी संभव हो तो जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था, आपको भी प्रयत्न करना चाहिए कि आप भी इसकी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर पाए। तो आप सभी जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन संकल्प लेकर पति पत्नी सहित ब्राह्मण देवता को भी बुला सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं, तो भी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके बाद बारी आती है नारियल के उपाय की, जिसमें गुरु जी कहते हैं अगर नारियल विशेष तौर पर जो नारियल होता है ना, जब जीवन में बार बार गर्भ गिर रहा हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो, या पेट में संतान हो, मेरी संतान उत्तम हो और निरोगी हो, अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाए और मुझे पुत्र रत्न की या मेरी जो भी संतान हो वह अच्छे तरह से फलदायक हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पुत्रदा एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन एक नारियल लेना है। 20-30 रुपए का नारियल आ जाता है। इसमें आप सभी को एक कपड़ा बांधना है, पीला लाल जैसा भी हो, इसमें अपनी मनोकामना कह दीजिए, मौली रख दीजिए। आप जो है विशेष तौर पर इसमें दक्षिणा रख सकते हैं और इसे शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाइए। शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, नारियल आपको तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ आप इसे शिवलिंग पर समर्पित कर आ जाइएगा। जिस विश्वास से करेंगे, नाम गोत्र बोलना है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकती हैं आपके पति कर सकते हैं नारियल वाला उपाय, और साथ ही आपकी मम्मा कर सकती है, आपके बच्चे कर सकते हैं, कुल मिलाकर जैसे माता अपने बच्चों के लिए दूर हैं बच्चे, तो वह कर सकती है, कुल मिलाकर कोई भी उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए कि मेरी पुत्री को बेटा हो जाए, मेरे पुत्र को बेटा हो जाए, या जो भी आपकी इच्छा है वह कहते हुए आपको समर्पित कर आ जाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं इससे भी डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, संतान गिरने के चांसेस नहीं रहते और पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान के सौभाग्य में कुल मिलाकर वृद्धि होती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, यह भी इस पुत्रदा एकादशी के दिन खास तौर पर किया जाता है। इससे पहले चैनल पर चने की दाल का उपाय आ चुका है, साथ ही दीपक का उपाय भी बताया जा चुका है, कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। साथ ही बढ़ते हैं एक श्रेष्ठ उपाय की तरफ,
जिसमें आपको स्वधा जो है अपने आप में माता पार्वती की नानी माँ कही जाती हैं। एकादशी व्रत के दिन पितृदोष को दूर करने के लिए, वंश में वृद्धि करने के लिए अपने मटके से जल लीजिए, गोलबत्ती का घी का दीपक लीजिए और महादेव के शिवलिंग पर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए। जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है, गुरु जी कहते हैं स्वधा स्रोत भी कर सकते हैं, 12 श्लोक का एक स्वधा स्रोत आता है उसका पाठ कर सकते हैं, नहीं तो 3 बार स्वधा 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 बोलकर शिवलिंग पर जो भी एकादशी के दिन जल चढ़ा देता है उसके जीवन में पुत्र दोष, किसी तरह से पितृ का कोई दोष है, पुत्र संबंधी दोष है, तो सभी तरह के दोष खत्म होते हैं और पितरों की असीम कृपा मिलती है, पितरों का तारण होता है, अधोगति से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो यह कार्य भी आप इस पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यह एकादशी सिर्फ 2 बार आती है, एक तो पुत्रदा एकादशी सावन में, एक पौष महीने में आती है। तो आपको जब भी समय मिले ना, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने भाग्य की रेखाओं को अद्भुत स्वरूप में चमकाएं और जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति प्राप्ति के लिए इन उपायों को करें। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, यह उपाय एक तरह से चमत्कार है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करके रखते हैं। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। जैसे कि शुक्रवार का दिन है, गुरुजी ने कहा है सावन महीने के शुक्रवार के दिन या सावन महीने में किसी भी एक दिन आपको शिव का ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करना है। अगर संभव हो तो शुक्रवार का दिन लाल रंग का माना जाता है, आप इस दिन लाल फूल से 108 जो है लाल फूल शिव पर चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। कुल मिलाकर 108 रंग की कोई भी वस्तु आप गेहूं शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, कोई भी वस्तु इस दिन शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कोशिश करें चढ़ा पाएँ। यह भी बहुत दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला कार्य माना जाता है। साथ ही गुरुजी की एक उपाय और वीडियो में आपने यह भी सुना होगा जो हाल में ही हुई थी गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं एक अगर पति पत्नी एक बेलपत्र अपने मंदिर प्रांगण में या घर के प्रांगण में लगाकर उसका संतान की भांति बहुत सुंदर रख रखाव करते हैं, उसमें दीप लगाते हैं, विशेष तिथियों में बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो निश्चित ही उनके वंश में वृद्धि होती है। तो संभव हो तो पुत्रदा एकादशी की पावन तिथि पर आप किसी मंदिर प्रांगण में किसी विशेष स्थान पर आवश्यक रूप से बेलपत्र का पौधा रोपित करने का प्रयत्न करिए। जीवन बदलेगा, सौभाग्य होगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना स्वतः ही आरंभ हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिर गए हैं और हर स्वरूप में आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती है, तो आपको सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी को मिलकर विशेष रूप पर जो है बेलपत्र का पौधा रोपित करना चाहिए। साथ ही शंख में दूध भरकर उसमें तुलसी दल रखकर अगर जो भी श्री हरि विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप या विग्रह स्वरूप को स्नान करा देता है ना, उसका दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है और जीवन में उसके आने वाली विपदा रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, परिवार में समृद्धि नहीं है, तो आप कोशिश करें कि सावन महीने की पुत्रदा एकादशी पर आप जो है शंख से दूध भरकर विशेष तौर पर उसमें एक तुलसी पत्र रखकर जो है श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप का अभिषेक जरूर करें। इससे भी कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करें, जो है विशेष तौर पर दीप दान करें, वस्त्र दान करें, पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना सौभाग्य को बहुत समृद्ध करता है, संकट काटता है, दुख दरिद्रता का अंत करता है। आप भी इन कार्य को कर अपने भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं, परिवार से दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छा समझा सकूं, बता सकूं, मेरे वीडियोस चैनल आपके लिए उपयोगी रहते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही आपसे अनुरोध है इस दिन संभव हो तो संतान गोपाल मंत्र की एक माला आप जाप कर सकते हैं, इससे भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र जैसे जो है चमत्कारी मंत्रों की एक माला का जाप करना परिवार में समृद्धि देता है, रोग कर्ज संकट दुख दरिद्रता और हर स्वरूप की पीड़ा का नाश करने वाला होता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अपने आप में हर तरह से हार गए हैं, तो इस सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन एक माला मंत्र जाप कर देखिए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है ग्रहण कर देखिए, भले ही रुद्राक्ष वाला चढ़ाएं या सामान्य चढ़ाएं, शिव का श्रृंगार कर देखिए, किसी जरूरत निर्धन
व्यक्ति या बालक की सेवा कर कर देखिए, स्वतः ही आपके परिवार में दुख दरिद्रता का अंत होना आरंभ हो जाएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है, बहुत श्रेष्ठ दिन है और अपने आप में परिपूर्ण दिन है, जो कि जीवन में हर एक कार्य को देता है व्यक्ति अगर सच्चे भाव सच्चे मन से करें। साथ ही गुरु जी ने कहा है, भगवान ने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। कोशिश करें शिव मंदिर की साफ सफाई कर सके, निर्माल्य को आप उठा सके। शिव मंदिर को बहुत अच्छी तरह से, जैसे कीचड़ की स्थिति है आप नहीं जा सकते हैं, तो कोई नहीं, अपने घर के मंदिर में ही पुत्रदा एकादशी की कथा सुने, श्रीमद् भगवद गीता, शिव चालीसा, पितृ चालीसा का पाठ करते हैं तो भी लाभ मिलता है।